तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजर की अनबॉक्सिंग। ये किस तरह से इतनी फाइन डिटेलिंग कर पाता है सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है ब्रुस्टो का इलेक्ट्रिक रेजर, देखने में तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अब चलो इसको हम यूज करके देखते हैं। यार ये चालू क्यों नहीं रहा, तो शायद इसमें बैटरी नहीं है इस वजह से ये नहीं चल रहा है। ये लोग इतना महंगा मटेरियल देते हैं फिर भी इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी नहीं डाले हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, तो अभी बैटरी तो मिलेगा नहीं। देखते हैं कुछ जुगाड़ करेंगे और इसका फिर इसको स्टार्ट करेंगे किसी तरीके से। ओके गाइस, बैटरी का जुगाड़ तो हो गया है जो कि मैं रिमोट का सेल यूज कर रहा हूँ इसमें। तो गाइस इलेक्ट्रिक रेजर ऑन हो चुका है और अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह का वर्क कर रहा है। और इसके साथ हमको कुछ रिफिल्स भी मिले हैं, तो इसी के साथ 2 होल्डर भी है। तो अभी हम इसको करते हैं टेस्ट। टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 3 सेम साइज के पेपर ले रहा हूँ जिसपे मैं अलग अलग मीडियम से इस पर शेडिंग करूँगा। तो फर्स्ट वाले पेपर पर हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करेंगे और सेकंड वाले पेपर पे कार्बन पेंसिल, चारकोल पेंसिल और चारकोल लीड, और थर्ड वाले पेपर पे हम इसमें कलर पेंसिल और कलर पेस्टल का यूज करेंगे। तो तीनों मीडियम में हम देखेंगे कि इसको इरेज करके कि किस मीडियम में ये बेस्ट वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ग्रेफाइट पेंसिल में यूज करेंगे। तो ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अभी हम इसको चारकोल पेंसिल में यूज करेंगे। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कि चारकोल पेंसिल में ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत ये बस हाईलाइट्स कर सकता है, बट चारकोल में जिस हिसाब से ये ग्रेफाइट पेंसिल में वर्क कर रहा उस हिसाब से ये चारकोल पेंसिल में वर्क नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम इसको कलर पेंसिल में ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस कलर पेंसिल में भी ये वर्क कर रहा है। इसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसने चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल और कलर पेंसिल को इरेज किया हुआ है। और अब बात करते हैं कि हम इसको अपने ड्राइंग्स में किस तरह से और कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इरेजर का बेसिकली यूज होता है डिटेलिंग करने के लिए। अगर आपको कहीं पर भी हाईलाइट्स देना है, जैसे बाल हो गया, और अगर आपको आँखों के अंदर हाईलाइट्स देना है, व्हाइट बनाना है डॉट्स, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और हेयर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको यूज करते टाइम आप सभी को एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इसको आप बहुत ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई ना करें, इसको जितना लाइटली यूज करेंगे उतना ही परफेक्ट ये वर्क करेगा। रिव्यू तो आप लोगों ने देख लिया कि ये किस तरह से वर्क करता है और कहाँ पर किस तरह से इसका यूज होता है। तो गाइस अभी हम इसको ओपन करके देखने वाले हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो चलिए ओपन करते हैं। तो गाइस ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका ये पॉइंट है जो कि बटन का काम करता है। इसमें बटन का भी यूज नहीं किए हैं। मुझको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई क्यों है। इसमें बस सिंपल सा प्रोसेस है और इसमें देख लीजिए एक मोटर भी लगा हुआ है जो कि छोटा सा एक कॉम्पैक्ट सा मोटर है। और इसको तो हम घर पे भी बना सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इजी होगा बनाना। अगर इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट हो जाते हैं 2 से 3 दिनों में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं और कम से कम बजट में। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।